हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओवुलेशन स्टडी यानी कि फॉलिकल स्टडी कब कराएं, क्यों कराएं और कैसे कराएं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछते हैं, मैडम ओवुलेशन डे को टेस्ट करने के लिए क्या ओवुलेशन स्टडी ही एकमात्र इलाज है? नहीं, अगर आपका सब कुछ ठीक है और आप सिर्फ पता नहीं कर पा रहे कि ओवुलेशन कब है, क्योंकि ओवुलेशन पूरे महीने के साइकिल में केवल एक ही दिन होता है, और ये भी नहीं कि वो 24 आवर्स के लिए होता है, नहीं, वो कभी 4 आवर्स के लिए, तो कभी 8 आवर्स के लिए, तो कभी 12, कभी 15, कभी 16 आवर्स के लिए होता है। जनरली जब यंग एज में आप होते हैं उस समय ओवुलेशन आपका 16 से लेकर 24 आवर्स तक रहता है, तो आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से जनरली रात को रिलेशन बनाते हैं और उस समय आपका ओवुलेशन रहता है। यानी कि अगर वो मॉर्निंग में हुआ है तो भी रात तक वो रहता है, अगर आफ्टरनून में हुआ है या इवनिंग में हुआ है तो आप उस ओवुलेशन टाइम को पकड़ पाते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब धीरे धीरे आपकी एजिंग होने लगती है और ओवुलेशन का टाइम छोटा होने लगता है। 16-18 आवर्स की जगह अब वो 10-12 या 8-10 या 4-6 आवर्स का ही रह जाता है। अब वो कौन से घंटे हैं ये सेलेक्ट करना होता है रिलेशन बनाने के लिए। और जनरली जब आप काउंटिंग करते हैं कैलेंडर मेथड से ओवुलेशन डे की, तो आप डे तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन आर्स में पहुंचना मुश्किल होता है। इसी तरीके से जब आप डिस्चार्ज मेथड से ओवुलेशन डे को ट्रैक करते हैं तो भी आप उसके करीब तो पहुंचते हैं लेकिन एग्जैक्ट कौन से आर्स होंगे ये नहीं पता लगा पाते। इसके लिए हम आपको जब टेम्परेचर मेथड कहते हैं तो टेम्परेचर मेथड में हम आपको मॉर्निंग में सजेशन देते हैं कि आप मॉर्निंग में टेम्परेचर चेक करें, क्योंकि उस समय एक्यूरेट टेम्परेचर आता है। और दूसरा, आपको उसी समय रिलेशन बनाने के लिए कहा जाता है, तो इसका मतलब अगर वो ओवुलेशन नाइट में या उस दौरान तक है तो आप कम से कम उस पीरियड को पकड़ पाते हैं और उसी समय हम रिलेशन बनाने के लिए इसीलिए एम्फेसाइज करते हैं कि आप कम से कम उस टाइम पे एक रिलेशन जरूर बनाएं ताकि आप कंसीव कर सकें। अगर आपका ओवुलेशन काफी पहले हुआ है और उस समय तक है तब भी आप उस पीरियड में आ जाते हैं, और अगर उसी समय हुआ है और आगे तक चलने वाला है तब भी आप उसको पकड़ पाते हैं। और हम आपको सजेशन देते हैं कि आप अगर नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो आप कम से कम टेम्परेचर मेथड से 2-3 महीने तक ट्राई करें। एक बार अगर वो रात को हुआ है और मॉर्निंग में आप उसको कैच नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे मंथ हो सकता है मॉर्निंग में हो जाए या तीसरे मंथ में वो मॉर्निंग में हो जाए। तो आप बिना डॉक्टर के पास गए और बिना मेडिकल टेस्टिंग के आप अपना ओवुलेशन डे ट्रैक कर पाते हैं। बात तब आती है जब टेम्परेचर मेथड से भी आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड मेथड। अल्ट्रासाउंड मेथड एकदम सटीक मेथड है, लेकिन बशर्ते कि आप इसको प्रॉपरली फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कराएं। ओवुलेशन डे जब आपका सब कुछ सही है तब, और जब सब कुछ सही नहीं है, दोनों ही केसेस में आपको अल्ट्रासाउंड मेथड हेल्प करता है, क्योंकि कैलेंडर मेथड, टेम्परेचर मेथड और डिस्चार्ज मेथड से आपको तभी पता चल पाता है जब आपके हार्मोन सही है, अंडे का साइज सही है और अंडा सही टाइम पे रप्चर
हो रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अगर हार्मोनल इंबैलेंस है या अंडा सही नहीं बन रहा, छोटे साइज का बन रहा है या बहुत बड़े साइज का होने के बाद भी रप्चर नहीं हो रहा है, तो आप टेम्परेचर मेथड से उसको ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप फिर अल्ट्रासाउंड मेथड पे आते हैं। तो अल्ट्रासाउंड मेथड में आपको एक तो ये बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कि अंडा छोटा बन रहा है, अंडा नहीं बन रहा है, या अंडा बन तो रहा है लेकिन बहुत बड़ा होने के बाद भी रप्चर नहीं हो रहा है, या छोटे में ही वो रप्चर हो रहा है। तो ये सारी टेक्निकल चीजें भी आपको अल्ट्रासाउंड मेथड से पता चल जाती हैं। और दूसरा, किस टाइम पे अंडा रप्चर हुआ, आप ये भी अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है वो क्या, कि इन जनरल जितने भी अल्ट्रासाउंड के सेंटर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो आपको कहते हैं कि आप अल्टरनेट डे पे आइए, आज आइए फिर एक दिन छोड़ के आइए, फिर एक दिन छोड़ के आइए, ऐसे आपको बुलाते हैं। इसमें आपका टाइम, पैसा, एनर्जी तीनों वेस्ट होती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब डॉक्टर्स ने आपको कह दिया कि अब आप 18 मिलीमीटर साइज आने वाला है, अब आप घर जाके रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जब 18 mm साइज हो गया और अभी वो रप्चर नहीं हुआ और आपने रिलेशन बना लिया एज पर योर डॉक्टर, तो होगा क्या कि आपके रिलेशन बनाते ही जो हस्बैंड का स्पर्म काउंट है वो 50% रह जाएगा, यानी कि जितना भी वो था, अगर वो पहले 80 था तो 40 रह जाएगा, 40 था तो वो 20 रह जाएगा। जितनी बार आप रिलेशन बनाते हो उतनी बार हर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद उतना स्पर्म काउंट या मोर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होती। इसको फुल फ्लैश आने के लिए 72 आवर्स का गैप चाहिए होता है, और क्योंकि आपने तो डॉक्टर के कहने से रिलेशन बना लिया और 18 मिलीमीटर के ऊपर वो रप्चर हुआ ही नहीं, फिर आपने नेक्स्ट डे फिर बनाया, तो अभी भी क्या है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट और मोर्टिलिटी उस पीक पर नहीं पहुंची जितना कि एक रिक्वायर्ड वैल्यू होनी चाहिए कंसीव करने के लिए, तो आप यहाँ गलती कर बैठते हैं। और कभी कभी अंडा 18 के बाद 28 तक, 22 तक, 24 तक भी रप्चर नहीं होता और वो सिस्ट बन जाता है और नेक्स्ट पीरियड के साथ जाता है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, पैसा वेस्ट होता है। तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके जो अपने गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि आप स्टडी कराइए, तो नहीं, आप डेली जाइए और जब साइज 18 मिलीमीटर के पास आ जाए, 17 हो, 16 हो, तो आप हर 8 घंटे बाद अपनी ओवुलेशन स्टडी कराइए। जब आपका साइज अंडे का 16, 17, 18 के आसपास आ जाए, तो आप ऐसा ना करें कि एक दिन छोड़ के एक दिन जाएं या बिना रप्चर ही रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दें। आपको चाहिए कि आप हर 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद जितना फिजिबल हो सके उतनी जल्दी आप ओवुलेशन स्टडी कराइए, ताकि आप उसको बिल्कुल हर 8 घंटे बाद ट्रैक कर सकें कि यस, अंडा रप्चर मॉर्निंग में हुआ, आफ्टरनून में हुआ या इवनिंग में हुआ। तो इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या जो भी सेंटर से आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो अर्ली मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके, फिर आफ्टरनून में और फिर इवनिंग में जितना लेट हो सके, आपको तीनों टाइम स्टडी कर कर बताएं कि रप्चर कब हुआ। तो आप देखिए, अगर आप इस ट्रैक पे चलते हैं तो आप ओवुलेशन स्टडी के साथ साथ ये भी देख पाएंगे कि एग कब रप्चर हुआ, और जैसे ही आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ आ जाए रप्चर्ड, उसी समय आपने घर आकर पहला रिलेशन बनाना है। इंडियन साइकोलॉजी ज्यादातर ये कहती है कि दिन में रिलेशन नहीं बनाना, ज्यादातर लोग इसमें रहते हैं, नहीं,
अगर मॉर्निंग में आपको पता चल गया कि एग रप्चर हो गया है तो आप मॉर्निंग में रिलेशन बनाइए, और अगर आफ्टरनून में पता चला है तो आफ्टरनून में बनाइए, और इवनिंग में पता चला है तो पहला रिलेशन उसी समय बनाइए, और फिर 4-6 घंटे के बाद दोबारा, और फिर तीसरी बार रिलेशन बनाइए। तो इससे आपकी ओवुलेशन स्टडी बिल्कुल सटीक होगी, आप ओवुलेशन को कैच कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, और आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएंगे। नहीं तो आप 2-3-4 महीने तक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी क्या करते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, पैसा वेस्ट कर चुके होते हैं, और फिर सोचते हैं कि जब भगवान को देना होगा तब दे देंगे। तो ऐसा ना करें, आप पहले ही महीने में उसको प्रॉपरली फॉलो अप करें। और दूसरी चीज, अगर कोई कमी है वो भी आपको पता चल जाएगी कि अंडा छोटा बन रहा है या बड़ा होके भी रप्चर नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी पता चलेंगी, तो आपका ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली हो पाएगा और आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएंगे। हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट।